साथियों, राजकीय इंटर कॉलेज गोनिया लेक धारी नैनीताल के बच्चे जो कि जैविक खाद को अपने ही विद्यालय परिसर में तैयार कर रहे हैं, उनकी इस प्रयोग को हम लोग यहां पर अंजाम देने जा रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस गड्ढे को इनकी जो लंबाई का लगभग आधा और चौड़ाई का दुगना खोदेंगे। यहाँ पर हम जो जैविक खाद बनाने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले सड़ी हुई पत्ते डालेंगे जो कि हमारे ही इस बरसात के सीजन में बहुत सारे हमें मिल गए हैं। इसके बाद इसमें मिट्टी भरी जाएगी और उसमें गोबर, इन सबको मिलाया जाएगा। इसमें साथ में केंचुए डाले जाएंगे जो कि तैयार होकर के लगभग 30 से 40 दिन में पूर्ण रूप से तैयार हमारी जैविक खाद बन जाएगी। देखेंगे हम इसके जैसे जैसे प्रगति हो जाएगी आपको अपडेट करते रहेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें गोबर डाल रहे हैं। इस तरह से हम परत दर परत गोबर डालते रहते हैं इसके ऊपर। फिर हम इसके बाद ये वो डालेंगे आपके ये सूखे हुए जो हमारे सड़ चुके आधे पत्ते डाल लें। इसको भर दो फटाफट। इस जैविक खाद को सड़ाने के लिए हमने इसमें ये नेचुरली डेवलप्ड केचुए डाले हैं, अर्थवर्म्स, जो कि इसको बहुत जल्दी सड़ा देंगे। जैविक खाद जो स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा है हमारा विद्यालय में, उसकी आज हम कम से कम 4 दिन बाद इसको दोबारा पलटने के लिए, इस गड्ढे को हम दोबारा खाली करके इसके जैविक खाद को इसमें जो केचुए डाले गए थे उनमें और केचुए डालने के लिए और इनमें इसको पलटा जा रहा है।